नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां हरियाणा में 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा में 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जारी करेगा रिजल्ट। हरियाणा के ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये रिजल्ट जारी होंगे। तो बड़ी खबर, जहां हरियाणा में 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जारी करेगा रिजल्ट और हरियाणा के ग्रुप सी और डी के लिए रिजल्ट जारी होंगे। जल्दी हम युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम भर्ती जो सबसे पहले 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था, उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। जल्दी हम तो 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये रिजल्ट जारी करेगा। नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। जल्द ही युवाओं को नौकरी मिलेगी। रोजगार की समस्या खत्म करने का सरकार का एक और प्रयास। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जी बने हुए। देवेंद्र जी, सरकार आने से पहले, चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं की गई रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के घोषणाएं की गई। अब लगता है कि सरकार बनने के बाद इस दिशा में पहल शुरू हो गई है। जल्द ही 24,000 नियुक्तियां सरकारी नौकरी के लिए की जाएंगी। देखिए प्रगति, दरअसल आंकड़ा 25,000 का है। आपको याद दिलाऊं, जब चुनाव चल रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो ये नियुक्तियों उस टाइम दी जानी थी, लेकिन कांग्रेस ये कहकर कि आचार संहिता लागू है, चुनाव का टाइम है, ये मतलब इसका बेजा इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी सरकार। तो फिर कोर्ट में उन्होंने, चुनाव आयोग में दरखास्त दी थी कांग्रेस के नेताओं ने कि इसका मतलब इस समय ये नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, इससे पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी, ये कहा था कि होल्ड पर रख लो, क्योंकि आचार संहिता में कोई लाभ की योजना अगर किसी को दी जाए तो वो उसको ये फायदा पहुंचाने की मतलब उस दायरे में आता है। तो चुनाव आयोग ने सरकार को कहा था कि आप बेशक अपना प्रोसेस जारी रखें, लेकिन नियुक्तियां जो नियुक्ति पत्र हैं या इसका जो रिजल्ट है वो आप आचार संहिता के दौरान नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद करना। यही वजह है कि जैसे चुनाव अभी खत्म ही हुए हैं, दो तीन दिन पहले ही 8 तारीख को परिणाम आया और आज 11 तारीख है, आज तीसरा ही दिन है। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 25,000 नियुक्तियां जो होल्ड पर थी रोकी गई थी, क्योंकि नियुक्तियों का जो मसला होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, इंटरव्यूज होते हैं, लिस्टें बनती हैं, तो उस हिसाब से एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये पहले से ये प्रोग्रेस में था मामला, लेकिन आचार संहिता की वजह से होल्ड पर रखा गया था। तो मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में भी कहा था कि हम 25,000 की नियुक्तियां तैयार हैं, बस सरकार आते ही उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आज स्वास्थ्य विभाग के जो महानिदेशक है डायरेक्टर जनरल, उन्होंने जिलों के सीएम उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर जो बड़े अधिकारी होते हैं अपने अपने जिलों में, उनको लिखा है कि 12 तारीख और 13 तारीख मतलब कल 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर इन दो दिनों में मेडिकल करवाया जाए इनकी। आज रात को रिजल्ट आ जाएगा, सी ग्रुप का रिजल्ट आज रात को आउट होगा, तो इनको जल्दी ज्वाइनिंग कराने के लिए मेडिकल कराना जरूरी होता है ताकि वो स्वस्थ है। इस तरह का सर्टिफिकेट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो सीएम उसको लेटर आया है कि आप 12 और 13 को व्यवस्था करें, जो जिनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे आज रात को रिजल्ट आएगा उनको मेडिकल सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग से पहले देना होता है। तो जल्दबाजी मतलब फटाफट ये किया जा रहा है, जैसा मुख्यमंत्री बयान में भी बता रहे हैं कि जल्दी देंगे। मतलब आज डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने जिलों में चिट्ठियां लिख दी सीएम को कि 12 और 13 तारीख को विशेष व्यवस्था की जाए मेडिकल की, ताकि इनको अभ्यर्थियों को जो ये नियुक्तियां मिल रही हैं उनको दिक्कत ना हो। यही वजह है कि जैसा कमिटमेंट की थी मुख्यमंत्री ने कि चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही सरकार बनेगी उस वायदे को वो निभाया जा रहा है। तो 25,000 नियुक्तियां जिनमें क्लर्क हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, जेईज हैं, सिविल इंजीनियर जो होते हैं, जूनियर इंजीनियर, तो इस तरह की ग्रुप सी और डी की भर्तियां हैं। ग्रुप सी में जैसे ग्रुप सी में होते हैं क्लैरिकल वगैरह जैसे पटवारी होते हैं, लेकिन डी में वो आते हैं जैसे ड्राइवर हैं, ऑफिस अटेंडेंट हैं, माली हैं, चौकीदार हैं, ग्रुप डी में वो आते हैं। तो सी और डी की ये भर्तियां हैं जिनका सी ग्रुप का आज रात को रिजल्ट किया जाएगा और हो सकता है एक आध दिन में डी का भी हो जाए। तो एक बड़ा वायदा मुख्यमंत्री निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।